प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 93 करेंगे। टेक्स्ट बुक हमारी है मैरीगोल्ड। सभी बच्चे नाम फिल करें और अपने टीचर का नाम फिल करें। एवरीवन इज़ रनिंग फॉर वर्क इन द मॉर्निंग। हाउ वुड यू लाइक टू हेल्प योर पेरेंट्स इन द मॉर्निंग? राइट एनी टू वेज। ऐसे दो तरीके लिखिए जिनमें आप सुबह अपने पेरेंट्स अथवा माता पिता की सहायता करते हैं। पॉइंट नंबर वन लिखेंगे, आई मोप दी फ्लोर। मोप दी फ्लोर, मैं पोचा लगा देता हूँ या लगा देती हूँ। डेली, रोजाना पोचा लगा देता हूँ या लगा देती हूँ। पॉइंट नंबर टू लिखेंगे, आई ब्रूम। ब्रूम होता झाड़ू। आई ब्रूम एवरी वेयर। एवरी वेयर इन दी हाउस। इन दी हाउस, इन दी हाउस डेली। तो डेली मैं झाड़ू लगा देता हूँ, मैं लगा देती हूँ। तो ये दो पॉइंट आप लिखेंगे। लुक एट दी पिक्चर केयरफुली। पिक्चर को देखिए सावधानीपूर्वक। एंड राइट थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें लिखिए दैट यू कैन सी, जो आप देखते हैं। टेकिंग ए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक के समय जाते समय जो आप देखते हैं वो तीन चीज़ें आप लिख सकते हैं। आई एम श्योर यू आर लाइक टू गो ऑन ए मॉर्निंग वॉक, कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाना बहुत पसंद करते होंगे। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, ट्री लिख सकते हैं, पेड़ देखते हैं, पार्क देखते हैं, और एक्सरसाइजिंग पीपल देखते हैं, जॉगिंग पीपल देख सकते हैं, देखते हैं, या कुछ और भी आप देखते हैं। जो आप देखते हैं, जैसे डॉग को भी देखते हैं, लोग कुत्तों को घुमाने के लिए भी लाते हैं सुबह, तो ये भी आप लिख सकते हैं। फ्लावर भी इसमें लिख सकते हैं, फूल भी देखते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें देखते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइदर एक्सरसाइज और गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक? क्या मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज हमारे लिए महत्वपूर्ण है? डिस्कस द रीज़न विद योर पेरेंट। अपने पेरेंट के साथ डिस्कस कीजिए। तो बच्चों, मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शरीर को हेल्दी रखती है। वी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक बिकॉज इट कीप्स अस हेल्दी। तो आप इसमें ये आंसर लिख सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज यू कैन डू व्हाइल एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करते समय कुछ एक्टिविटी आप करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड नेम देम। पिक्चर को देखिए और इनके नाम लिखिए। जॉगिंग, तो बच्चों जॉगिंग में यहाँ भरेंगे जॉगिंग, तो GGING जॉगिंग भर देंगे। RUNNING भर देंगे। स्कीपिंग पहले में के आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, और फिर आई, फिर NG। यानी जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको फिल करना हमने। इसमें वाई आ जाएगा। साइकिलिंग, तो साइकिलिंग L आ जाएगा, इसमें N आ जाएगा। साइकिलिंग CYCYCL ING, ऐसे इसको फिल कर देंगे। तो बच्चों ये खाली स्थान आप फिल कर ले।